बच्चे को छोड़ दे। मेरे बेटे को छोड़ देने तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं तो तू घबराना नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। मेरे बेटे को छोड़ दे रतन सिंह। अभी पुलिस को फोन करके इसको जेल भिजवाऊं कहीं ना कहीं को। मरा फोन कहाँ है मारो? जी नीचे छोड़ मत हो। गंगा इतना सुंदर लागे हमारा राजा बेटा नाई नाई करके है ना, तूने काला टीका लगा दे कहीं तूने मारी ना जाने लग जावे। गंगा क्या हुआ आप ऐसे? रतन सिंह ने कब्जा कर लिया और मेरी बेटी पे। नीचे सब लोग बंदूक के नोक पे हैं, अब ऊपर आ गए वो लोग तड़े ढूंढने मनु को ढूंढने। गंगा जो तुझे जरा भी फिकर है इनके तो चली आ मन्नू ने लेकर मारे पास। मैं बाहर आजा गंगा, आज अपने बेटे को लिए बिना नहीं जाने वाला मैं। सुन रही है ना तू गंगा? अरे हमारा फोन भी ना है हमारे पास, ना तो किसी को खबर कर देती। जाने क्या होगा? कुछ ना होगा माजी साहब, मैं कुछ ना होने दूंगी। आप मन्नू को संभालो, मैं खिड़की से कुछ कम मदद लेकर आ। ये सारी खिड़कियों को बंद कर रहा कौन बदमाशों ने? इधर आ, भागने का कोई रास्ता ना है अब। हम ना लड़ पाएंगे उनसे, छुपना ही बेहतर है। अगले कमरे में छुपने की जगह माजी समय ना जाऊंगी। तड़े समय में गंगा तो तुझे जरा भी फिकर है इनके तो चली आ मन्नू ने लेकर मारे पास। जहां भी है लेके आजा मारे मन्नू को, इससे पहले कि मारे आदमी ढूंढ निकाले तुझे। गंगा जान भी मत दे उधर, जैसा मैं बोलूं वैसा कर। माजी साहब वो लोग अगर पूरे घर में ढूंढ रहे तो यहाँ पे भी आ जाएंगे। मैं बाहर जाके किसी से मदद मांग लूंगी तो अच्छा होगा माजी साहब। एक बार तसल्ली हो जावे ना उस रतन सिंह को कि तू जो छोरा घर पे ना है तेरे पैरों लौट जाएगा। बस थोड़ी देर की बात है माजी साहब, उस रतन सिंह को मैं और मनु ना मिले तो ना जाने आप सबके साथ क्या करेगा, हमारे से पाप ना होगा माजी साहब। देख उस नरक में वापस जाना चाह, जहाँ से निकल के आई इतनी मुश्किल से, इस छोरे को उस राक्षस के हाथ सौंपना चाह। बहस का वक्त ना है गंगा। माजी साहब लेकिन ना 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 चल जा इसी के साथ। माजी साहब हमारी आत्मा ना मान रही है। छुप जा जल्दी से, कोई आना जावे। बाहर आजा गंगा, आज अपने बेटे को लिए बिना नहीं जाने वाला मैं। सुन नहीं आने दो। माजी साहब वो लोग इतनी आसानी से ना मानेंगे, वो ना जावेगा यहाँ से। वो रतन सिंह देख ले रहेंगे, तू चाहे चुपचाप बैठे रहे और मत निकलना, कसम दिए तने अपनी। घबराने की जरूरत ना है, बेबी माँ है, मैं कुछ ना होने देंगी ना थारे छोरे को, भगा देंगी उस रतन सिंह को। हाँ सांस लेने के चंदा कहाँ थी तू? एक हफ्ते बाद कपड़े लाएगी तो कैसे काम चलेगा? चल अंदर आ जा। पता है चादरों और दूसरे कपड़े का ढेर लग गया है घर में। इस बार थोड़ी देर हो गई मैडम जी, आगे से ऐसा ना होगा। हाँ आगे से ऐसा मत करना। आनंदी धुलने वाले कपड़े ले आओ जरा। ये कपड़े गिन के ऐसे दे दो, मैं इन्हें कमरे में रख देती हूँ। जी माँ।
चंदा 6 चादरें 12 पिलो कवर्स और 8 कुशन कवर्स है, ठीक है? चंदा ये चोट कैसी? और ये तुम्हारे चेहरे पर भी चोट है, क्या बात है, क्या हुआ? वो सड़क पे चलते हुए साइकिल से टकरा गई थी और बस गिर गई। गिरने से ऐसी चोट नहीं आती चंदा, और ये तुम्हारे हाथों पर तो चूड़ियां टूटने के निशान लगते हैं, क्या बात है? वो कुछ नहीं बहूजी। सच सच बताओ चंदा, क्या बात है? क्या बताऊं बहूजी, मुरली के बापू रात को ज्यादा पी के आ गए थे और मैं खाना गरम ना कर सकी क्योंकि लकड़ियां गीली थी, तो बस उसी बात पे गुस्सा आ गया। तो मतलब उसने तुम पर हाथ उठाया? हाथ से नहीं, उसी गीली लकड़ी से मारा मुझे। ये क्या बात हो गई? अरे बरसात का मौसम है, लकड़ी गीली हो गई, जली नहीं, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? औरत जातू बहू जी, सबसे बड़ी गलती तो वही है। परसों खाना ज्यादा गर्म हो गया तो मारा, कल खाना गर्म ना कर सकी तो मारा, आज फिर कोई नया बहाना ढूंढ लेगा। ये मर्द ऐसे ही होते हैं, दुनिया भर का गुस्सा अपनी घरवाली पर ही निकालते हैं। रतन सिंह ये तो ठीक नहीं करा, रतन सिंह छोड़ दे हम सबको। रतन सिंह जी सारे कमरे छान मारे पर कहीं ना मिली हो गंगा। अरे मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है, तो बोलेगा और मैं मार लूंगा। अरे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या रतन सिंह को? हवेली में कहीं ना मिली गंगा रतन सा, और वो छोरा भी कहीं ना दिखा। रतन सिंह देख छोड़ दे हम सबको, नहीं तो बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी तुझे। बंद कर अपनी बकवास। गंगा पंडू कहीं नहीं हुकुम, मैं तो की धरती में समा गई वो। अरे इधर ही आओ, क्या चली क्या की ढूंढ रहे हो? जाओ। तुझे क्या लगता है रतन सिंह, अगर गंगा और मन्नू घर पर होते भी तो क्या तेरे हवाले कर देते हम लोगों ने? कभी नहीं रतन सिंह, कभी नहीं, तेरी काली परछाई भी नहीं पड़ने देंगे हम उन पर। बेटा ये अकड़ अपने नौकरों को दिखाना मन है ना, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रतन सिंह। सर जितनी चाहे धमकी दे लो, कुछ ना होने वाला। मैं तुम लोग बचोगे ही ना तो क्या दिखाओगे मन्ने और क्या बताओगे? ऐसे ही ना घुसाया इस घर में, तुम सबको ठिकाने लगाने का इंतजाम करके आया हूँ। तुम्हें सब बात कर रतन सिंह, नहीं तो जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। मत मारो मेरे बापू साहब को, छोड़ दो उन्हें। रतन सिंह चुप, एकदम चुप। पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तेरी बकवास। चुप रतन सिंह। अब बता दो कठे या गंगा,
मैं तो तुम सबका भी वही हाल करूंगा जो इसका किया है। मारे छोरे को मारो, इससे पहले खोपड़ा फोड़ दूंगी थारो। रतन सा बचो। मासा, मासा। तेरी तो मेरे बच्चे को मारती है। मासा, मासा। मेरे छोरे को मारेगी। मेरे बच्चे को मारेगी। छोरे। मासा। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की हमारी हवेली में घुस के ऐसे भ्रष्ट करने की? अरे रतन सिंह, पासा को छोड़ दे। रतन सिंह वो बसल घी खाया है माजी साहब, जब ही तो पूरी हड्डियों में अभी तक इतनी ताकत है। ठीक से बांधना बुढ़िया को, कहीं रस्सी थोड़ा के भाग न जावे। रस्सी लाओ। माजा को छोड़ दे रतन सिंह। अरे रतन सिंह कुछ तो शर्म कर, माजा ने क्या बिगाड़ा है तेरा? माजा, रतन सिंह ऐसा बर्ताव करेगा तू मेरी माजा के साथ? रतन सिंह तू एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर देख तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, जान ले लूंगा मैं तेरी रतन सिंह। माजा को छोड़ दे रतन सिंह। माजा कुछ नहीं हो आपको, माजा रतन सिंह, रतन नहीं, रतन सिंह ये नहीं, रतन सिंह। मासा, ये हुआ माजी साह, बहुत दर्द हो रहा है के आपने जो आव भगत की थी मारी, तो मन्ने भी ऐसी चुभी थी। रतन सिंह छोड़ दे मासा को। काबू में कर उसे, और इस बार ऐसा बांधना कि सांस से लेना मुश्किल हो जावे। नहीं छोड़ो मुझे। रतन सिंह, रतन सिंह छोड़ दे इन्हें। रतन सिंह तू मुझे एक बार छोड़ दे, सिर्फ एक बार छोड़ दे मुझे रतन सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कसम देके कहा है कि यहां से बाहर ना निकलूं, तोड़ दो उनकी कसम। बाहर जाकर मदद लिया, डॉक्टर साहब भी तो ना आए घर पे, उन तक खबर कैसे पहुंचाऊं मैं? आ,
औरतों के साथ शारीरिक हिंसा के ऐसे हजारों केसेस हैं जो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। शिव नेट पर भी ऐसे कई सारे मामले हैं और सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के केसेस हैं। औरतें क्यों सहती है ये जाति? एक किस्सा तो हमारे सामने ही है। मैंने चंदा के बारे में बताया था ना आपको, शिव उसका पति उसे रोज मारता है, वो भी हर छोटी छोटी बात पर। दुख की बात तो यह है कि फिर भी चंदा को उससे कोई शिकायत नहीं है। पति के जुर्म को अपनी किस्मत और औरत होने की सजा मानकर उसने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है। I know it's wrong. जो औरत एक मर्द के बगैर अपने आप को कमजोर समझे वो और करेगी क्या? सहती रहेगी, पुलिस और कानून की मदद लेगी, लेकिन वो मदद कैसे करेंगे ये तो उसे पता होना चाहिए। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना शिव, जिससे इस तरह की औरतों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मिले। हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन जिन्हें जरूरत है उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब तक औरत आगे बढ़कर खुद पर हो रहे अत्याचारों का विरोध नहीं करेगी, समाज में अपराध बढ़ता ही जाएगा ना। शिव, मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ, सच में कुछ करना चाहती हूँ चंदा और उसके जैसी दूसरी औरतों के लिए। मैं आपके साथ हूँ। इनफैक्ट जिस दिन आप जैतसर गई थी ताई जी की गोद भराई के लिए, दद्दू से ही बात हो रही थी। दद्दू ऑफिस आए थे एक रिक्शा ड्राइवर को लेकर, उसे अपनी बच्ची का इलाज कराना था, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। हैरानी की बात, मगर यही सच्चाई है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन है कहीं कानून का सहारा लेकर तो कुछ एनजीओस की मदद से। और दद्दू का भी यही मानना है कि आप इस मामले में बहुत मदद कर सकती हैं। ऐसे भी जैतसर में भी तो आप गरीब और पिछड़े लोगों की मदद किया करती थी ना, याद है मैंने भी आपसे कहा था आपको ऐसा ही कुछ उदयपुर में भी करना चाहिए। मैं तैयार हूँ शिव, लाचार और कमजोर लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। पूरी हवेली छान मारी रतन था, लेकिन गंगा और मन्नू कोई नहीं मिला। ये सस्तान से बोले जैसे बड़ी अच्छी खबर सुनाई, एक लुगाई और एक छोटा सा बच्चा ना ढूंढ सके तुम लोग। ये गंगा और उसके छोरे को ढूंढना थारे और थारी इस नपुंसक सेना के बस की बात ना है, समझा? रतन सिंह, अगर अपनी जान बचानी है तो निकल जा यहाँ से, क्योंकि अगर तू मेरे हाथ लग गया तो फिर तेरी खैर नहीं। बंद कर इसका मुंह, बहुत जबान चलाता है ये। हो गया ना? गहना छोड़ दे रतन सिंह, गहना को रतन सिंह पेट से है, ये छोड़ दे इसे। ओके, हो जाएगा, मर जाएगी ना, तू मर जाने दे। तभी तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। गंगा और अपने बेटे के कारण ही तुम सबको जिंदा छोड़ा है, नहीं तो घर में घुसते ही सबको मार डालता। अभी भी बोल रहा हूं, अपनी जान प्यारी है तो बता दो कटे है गंगा। तलाशी लो हवेली ने, जब तक गंगा नहीं मिल जाती मैं इधर से हिलने वाला नहीं हूं। अपने बेटे को गोद में लेकर ही अब इस दहलीज को पार करूंगा। दिया आपने आप कैसे? हे कान्हा जी, कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है? रक्षा करना कान्हा जी, अब कुछ गलत ना होने देना, ना मेरे इस परिवार के साथ और ना उस परिवार के साथ। रक्षा करना कान्हा जी। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, स्वार्थ पूर्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, जिसमें आने वाली हर बाधा को
वो निर्दयता से ठोकर मारता चला जाता है।